हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल की विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। किन हालातों में करता है इंसान, वो कौन सी तकलीफ इतनी बड़ी होती है जिसके आगे जीने से ज्यादा मरना आसान लगे, कितनी मायूसी, कितनी घुटन से घिरा होगा वो इंसान कि उसने जिंदगी छोड़ने का फैसला ले लिया। आज की कम्पिटिटिव दुनिया में ये किसी महामारी से कम नहीं है। स्कूल के बच्चे हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स, रिटायर्ड बुजुर्ग, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों जिंदगी मौत से हार जाती है, क्यों होता है ये? निराली की आत्महत्या की इस वारदात से यही सवाल जुड़ा हुआ था कि आखिर क्यों। और अब बारी है ब्लश की, पर ब्लश करते टाइम एक चीज का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके फेस पे एक लंबी सी स्माइल सारा टाइम बनी रहे। बाय द वे गाइस, ये देखिए मेरा नो मेकअप लुक, और ये देखिए मेरा फुल मेकअप लुक। अब आप देख सकते हैं कि मेरी नो मेकअप वाली साइड मेरे फुल मेकअप लुक के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा नेचुरल लग रही है। निराली, तूने मेरा पिंक वाला दुपट्टा देखा क्या? मिल ही नहीं रहा है, ऊपर से ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ मैं। दीदी, मैं मेकअप वीडियो बना रही थी, इसीलिए बंदरिया जैसी दिख रही है। मेकअप छोड़ के ना चेकअप करवा। थैंक गॉड मिल गया। चल मैं ना जा रही हूँ, ठीक है? आज ना मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आने में लेट हो जाएगा, ठीक है? ख्याल रखियो, बाय बाय। ठीक है। सो गाइस, ये थी मेरी शगुंदी। अब मिलेंगे हम एक नए वीडियो में ढेर सारी ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और राघव पाजी, 30 दिन का बोला था आपने, 2 महीने से ज्यादा हो गए, कब लौटाओगे मेरे पैसे? हाँ से पैसे दूं मंजीत भाई, आधे से ज्यादा दवाइयाँ खराब हो गई हैं, बाकी बची हैं वो बिक नहीं रही हैं, धंधा मंदा चल रहा है तो फिर कोई क्या करे। कमाल करते तुसी यार, मेरी हालत नहीं समझ रहे हो, और कितना वेट करूं मैं? देखिए मंजीत भाई, दवाइयां बिक गई ना तो सामने से आकर पैसे दूंगा, और फिर दुकान बेचकर भाग थोड़ी रहा हूं यार, कमाल करते हो। अच्छा मैं रख रहा हूं, दुकान खोलने का टाइम हो गया है। हेलो पापा, आप ऐसे सॉफ्ट टोन में बात करोगे तो क्यों देंगे आपको राघव अंकल पैसे? तो की करूं फिर, और झगड़ा करूं, गुंडे भेज दूं वहां? मैंने खुद समझ नहीं आ रहा की करूं। कम से कम सख्ती से तो बात करो, मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपने उनसे कोई उधार लिया हो। आपके इसी सॉफ्ट एटीट्यूड के चक्कर में ना चाचा जी। बस बस बस, मैं समझ गया। आप क्या समझे? एटीट्यूड पापा, एटीट्यूड। ओके एटीट्यूड, यस। तू जा स्कूल जा छेती, एटीट्यूड। ओके बाय बाय बाय। चल ठीक है, मैं कल तेरे को नोट दे दूंगा। हां बाय। वारे मधु, तू तो बड़ी तेज निकली, बेस्ट फ्रेंड से सीधा चचेरी भाभी। चचेरी भाभी और क्या, योगी मेरा चचेरा भाई है तो तू हुई ना मेरी चचेरी भाभी। वैसे ये बात तो मुझे पहले बता देती, मैं खुद योगी ने तेरे नाल सेट कर देती। तू ना बिल्कुल बुद्धू है, कुछ भी बोलती है। अच्छा सुन, मैं ना तुझे पहले बता दूं, कल मैं शर्मा जी के बेटे की शादी से ना जल्दी निकल जाऊंगी, मुझे मेरा असाइनमेंट बनाना है। ओके, पर कल शादी में क्या पहनने वाली है, कुछ डिसाइड किया? कपड़े ऑब्वियसली। चल उधर, वहां अपना बंदोबस्त है। किथे? पीछे पीछे। रुक रुक, नु आया मैं। ओ पुत्र, माला चाची नु गिफ्ट दिया है, मैं इथे हूं आलोक नाल गल कर रहा हूं। अरे इथे इथे इथे। हाँ हाँ हाँ, बस बस सैंडल पहन रहे हैं, पहुंच ही गए समझ। कब तक आएगी यार, जल्दी आ। ओए निराली पुत्तर, तू तो बड़ी सोनी लग रही है। अब मंजीत पाजी और शगुन कितने हैं? शगुन दी को कुछ काम था और पापा होंगे आलोक अंकल नाल। अच्छा मुझे ना तेरे से कुछ बात करनी है ना प्लीज। ओ हाय चाचा जी, मेरा 2 मिनट था। सुन करो, तुम डांस करने क्यों नहीं आए? नहीं यार, बाद में ना।
वैसे तुम आज अकेले, मधु कहाँ है? नाम मत ले यार उस लेटर थिंग का। यार मूड ऑफ मत कर, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, आना एक सेल्फी लेते हैं। एक सेकंड ना, मैं उसको कॉल करूंगी। हाँ 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 बस पहुंच गए, तू फोन तो रख, हम बस आ रहे हैं। निराली ऑरेंज मत ले यार, कोला लेना, कोला बहुत टेस्टी है। तुम भी लो ना कुछ। नहीं आई एम फाइन। तो मैं ना पापा को देखने जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना यार, एक बार पापा पीना शुरू करते ना तो बस थमते ही नहीं है। को देखा क्या? अरे यही तो थी कहीं, तुझे ढूंढ रही थी। मुझे? हाँ, कॉल ट्राई करना उसको, फोन कर। पापा आलू के पराठे ना मैंने रख दिए, चटनी नहीं निकाल पाई, मिक्सी में ही है, आप प्लीज निकाल लीजिएगा, लेट हो रही थी ना। और निराली ना अभी तक सो रही है, कपड़े तक नहीं बदले उसने। निराली पुत्र किन्ना सोएगी बेटा, स्कूल नहीं जाना तेनू? देख दीदी ने आलू के पराठे बनाए तेरे लिए। पुत्र पुत्र अरे अभी तक रेडी नहीं हुई, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी ना। तू हमेशा मुझसे कंप्लेन करती रहती है कि तेरी दीदी के पास तेरे लिए टाइम नहीं है, पर मुझसे ज्यादा तो तू बिजी रहती है, तेरे स्कूल, वीडियोस, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। एक्चुअली तेरे पास तेरी दीदी के लिए टाइम नहीं है, ऐसे बुत बने क्यों खड़ी है? यस सर नो सर। निराली पुत्र देख की लाया तेरे लिए मैं, वो गरम गरम समोसे ते छोले। आजा पुत्र आजा, फिर तेरे पसंद की फिल्म देखेंगे। पुत्र निराली पुत्र निराली पुत्र पंजी जी, पंजी जी, क्या आपकी बेटी निराली किसी बात को लेकर परेशान है? मैंने कुछ नहीं पता जी, मैंने कुछ नहीं पता। देखिए आपकी बेटी ने सुसाइड किया। पापा, निराली, निराली। सर, कमरे में कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला? विक्टिम का मोबाइल कैमरा लैपटॉप जब्त करो। सर क्या फैमिली में कोई इशू था या बच्ची पे कोई प्रेशर था, स्टडी का या कोई और प्रेशर? नहीं सर, वो तो ब्रिलियंट थी हर फील्ड में, जब देखा है उसे हंसते खेलते ही देखा है। निराली और क्या वाकई उसके आगे के सारे रास्ते बंद हो गए थे? क्या ऐसा कोई नहीं था जो निराली का हाथ पकड़ के उसे इस भंवर से बाहर निकालता? निराली एक बहादुर लड़की थी, क्या जो भी हुआ सच में उसके बाद उसमें जरा भी शक्ति नहीं बची थी? निराली क्यों खामोश हो गई? क्या मजबूरी रही होगी उसकी? ऐसा कौन सा राज था जो निराली के सीने में ही दफन हो गया? तो क्या निराली का रेप हुआ था? सर दावे के साथ तो नहीं कह सकते, पर चांसेस पूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है, मल्टीपल इंजरीज के मार्क्स है, प्राइवेट पार्ट्स में भी, और सर घाव कुछ ही दिन पुराने हैं। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो रिमझिम?
मेरी तो हालत खराब है यार, मेरा केमिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है। अंकित, क्या तुम मेरी केमिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट कर दोगे प्लीज? रिमझिम, इसमें प्लीज की क्या बात है? मैंने आज तक कभी तुम्हें मना किया है क्या? मुझे पता था, यू आर सो स्वीट, यू आर डार्लिंग, थैंक यू। देव, नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो निराली मुझे जरूर बताती। शायद यही वजह हो निराली के खुदकुशी की। क्या निराली का कोई बॉयफ्रेंड था? जी नहीं। कभी बातों बातों में उसने किसी लड़के का जिक्र किया? नहीं सर, मैं तो अपने काम में बिजी रहती थी और निराली अपने स्कूल की पढ़ाई में, है ना पापा? हाँ जी, सही कह रही है सबू। अच्छा, जिस स्कूल में निराली पढ़ती थी उसकी क्लास में जो लड़के हैं? सर एक मिनट, 18 मई को उस दिन जब मैं और निराली मार्केट से घर वापस आ रहे थे तब सब ले लिया है ना हमने, कुछ छोड़ा तो नहीं है? देख अभी बता दे वरना पूरे हफ्ते मैं फिर फ्री नहीं रहूंगी। ओके, कुछ बोल ना, चुप क्यों है? हम पास वाले पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेन फाइल करवाने। हाँ सर, ये लड़की अपनी बहन के साथ आई थी रिपोर्ट लिखवाने। इसकी बड़ी बहन बहुत गुस्से में थी। बाइक का फोटो दिया है ना मैंने आपको, नंबर है आपके पास, तो गिरफ्तार करिए उसको। मैडम हमने कहा ना आपसे हम संभाल लेंगे, अभी आप शांत हो जाइए। नहीं सर, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक आप उस मवाली को अरेस्ट नहीं कर लेते। आज मेरी बहन का दुपट्टा खींच के गया है वो, अगर उसको सबक नहीं सिखाया ना तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। सर एक बहन शेरनी तो दूसरी गाय, इसकी बड़ी बहन ने पूरा थाना सर पे उठा लिया था और ये बेचारी एक शब्द नहीं, चुपचाप वहां खड़ी थी। अच्छा उस लड़के का क्या हुआ जिसने छेड़ा था? वो लड़का 2 घंटे के अंदर पकड़ लाए थे सर, 4 झापड़ मारे ना, हीरो बाबू का दिमाग ठीक हो गया। फिर क्या, कड़ी चेतावनी देके जाने दी? कड़ी चेतावनी दी और जाने दिए, और कुछ नहीं किया आपने? सर लड़के लोग इस उम्र में जवानी के जोश में छोटी मोटी हरकतें कर ही देते हैं। जिसे आप छोटी मोटी हरकत कह रहे हैं उसे ईवटीजिंग कहते हैं। ईवटीजिंग एक जुर्म है, उसके लिए आईपीसी की धारा बनी है। आपने FIR दर्ज करके केस क्यों नहीं बनाया? सर केस हो जाता तो उसकी लाइफ खराब हो जाती सर। कानून को बेगुनाह हो और सताए हुए लोगों का साथ देना चाहिए, ना कि गुनहगारों का। मजनू, दुपट्टा खींचने का बहुत शौक है ना तुझे? आ थाने में दुपट्टा खिंचवाती हूँ, चल। मैडम हम कुछ नहीं किए। जिस लड़की का तुमने सरेआम दुपट्टा खींचा था ना, उसका रेप हुआ और उसने खुदकुशी की। सर ये रेप हमने नहीं किए सर। सर हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं किए। उस दिन के बाद से तो हमने उस लड़की को कहीं देखा भी नहीं, और सर वो लड़की कुछ ठीक भी नहीं थी। ठीक नहीं थी मतलब? मतलब सर पूरा कानपुर जानता था कि वो कैसे कैसे वीडियोस बनाती थी, लड़कों के साथ हंस हंस के बात करती थी, उनसे मिलना, उनको चिपकना, गले लगना। सर शरीफ घर की लड़कियां थोड़ी ना ऐसे करती है। और हम दावे के साथ कहते सर, जिस दिन हमने दुपट्टा खींचा था अगर तभी उसकी बड़ी बहन साथ में नहीं होती ना तो हमारे साथ बाइक पर बैठ जाती थी। और चालू लड़की सर ये दुपट्टा खींचने के लिए, और ये तेरे दिमाग में जो गंद है ना उसके लिए। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए ही है। आई लव यू रिमझिम। तू गया? तू सिर्फ मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। नहीं मैम, निराली ने हमें सब कुछ भी नहीं बताया था। तुम और निराली रोज स्कूल साथ जाते थे, कभी तुमने उसके बिहेवियर में कोई फर्क नोटिस किया? वो कुछ उदास रहती थी। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो क्यों उदास है? और फिर वो वहाँ पे आया ही नहीं। क्या बात है निराली, तो इतनी सैड क्यों है? निराली बताना। क्या कहा निराली ने? निराली ने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। हाँ मैम, 17 को आई थी निराली क्लास में। वैसे तो वो हमेशा खुश रहती थी, मगर उस दिन मैंने निराली को इतना गुमसुम पहले कभी नहीं देखा। कुछ तो परेशानी थी उसे, अफसोस है मुझे कि मैंने पहले उससे बात नहीं की। इतने दिनों से आप कर क्या रहे हैं सर? आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि मेरी बहन का रेप कहाँ हुआ था, कब हुआ था?
आप गुनहगारों को पकड़ेंगे भी या नहीं? हम निराली के गुनहगारों को पकड़ेंगे और जरूर पकड़ेंगे। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जब निराली के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो हमें एक बात पता चली। निराली की दोस्त मधु और डिजाइनिंग क्लास की टीचर दोनों का ये कहना है कि 17 मई को निराली जब क्लासेस में आई थी तब वो बहुत गुमसुम सी थी। जो कुछ भी हुआ है 17 मई के पहले हुआ है। देखिए, हम अपनी तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, बस थोड़ा सब्र रखिए। वही तो नहीं रख पा रही हूँ सर, मैं कभी अच्छी बहन बन ही नहीं पाई। हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दी। उसको जब क्लास में रैंक मिला, उसका बर्थडे, मैंने सब मिस किया काम के चक्कर में। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब निराली मुझे फोर्स कर रही थी अपने साथ शादी में लेके जाने के लिए, तब भी मैंने उसकी बात टाल दी। मैंने कभी उसकी फीलिंग्स, एक्सक्यूज मी, किस शादी की बात कर रही हैं आप? आपके बिना दी मजा ही नहीं आएगा शादी में, चलो ना। ओए नौटंकी, चल जा। कब थी ये शादी? 12th मई को, पर वो घर पहले ही आ गई थी, उसको असाइनमेंट पूरा करना था। तो उस रात शादी से निराली अकेले घर लौटी थी? पता नहीं, मैं उस रात जल्दी सो गई थी। पर अगले दिन पापा ने मुझे बताया था कि जब वो 11:30 बजे आए थे तो निराली ऑलरेडी घर पहुंच चुकी थी। कहाँ थी ये शादी? जीवन संगिनी मैरिज हॉल। जी सर। सर 12 मई को यहाँ पे रामदयाल शर्मा की बेटी की शादी थी। सरता सर, और शादी में ये लड़की मौजूद थी? सर शादी में इतने सारे लोग होते हैं, किसी एक लड़की की शक्ल कैसे याद रहेगी? सुनो, क्या नाम है? शंकर। शंकर, 12 मई को जो शर्मा फैमिली की यहाँ पे शादी हुई थी उसमें ये लड़की मौजूद थी? हाँ साहब, ये मैडम थी उस शादी में। मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि शादी में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का चेहरा याद रखना मुश्किल है, तुम्हें कैसे याद? साहब वो क्या है ना कि उस दिन वो दिखता नहीं है क्या यार? सॉरी मैम, कपड़े खराब कर दिए यार। सॉरी मैम, यहाँ पे टकराई थी साहब, और मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे डांट के चली गई साहब। गई किस तरफ थी? सब इधर गई थी, बाहर साइड। जब वो गई तो अकेली थी या फिर साथ में था? साहब वो तो अकेली गई थी। उसके बाद पार्टी में वापस आई? नहीं साहब, उसके बाद तो वो दिखी नहीं। कितने बजे होंगे, कुछ याद है? हाँ, एक कोई 9:45 बजे होंगे साहब। ठीक है शंकर, जा सकते हो। थैंक यू सर। सर पूरे हॉल की तलाशी लेनी पड़ेगी हमें। श्योर प्लीज। एक वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करो, उसमें निराली जिस जिस से बात करते हुए नजर आ रही है, सबसे पूछताछ करो। यस सर। मैम मैं निराली की चाची हूँ, अभी शादी में ही तो मिली थी मैं उससे, इतनी खुश लग रही थी वो, पता नहीं क्या हो गया उसके साथ ये सब। शादी में वो एक लड़के के साथ काफी घूम रही थी और नाच भी रही थी। सर मैं इसे जानती हूँ, गौरव निराली का बहुत अच्छा दोस्त है, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। क्या गौरव ने? सर निराली सिर्फ हमारी अच्छी दोस्त थी, और सर उसके साथ जो कुछ हुआ सर उसका दुख हमें भी है सर। और लोग तो कह रहे हैं कि तुम्हारे और निराली के बीच में कुछ था। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हमारे और निराली के बीच ऐसा कुछ नहीं था सर। अच्छा सर, उस शादी में क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, बस सर हमने बातें करी थी और सर हमने डांस भी करा था सर साथ में। और कुछ हुआ था? मेरा मतलब झगड़ा या और कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था मैम। 25 दिन हो चुके थे, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, यहाँ तक कि पुलिस को ये तक पता नहीं लग पाया था कि निराली के साथ रेप कब और कहाँ हुआ। निराली ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था, ना ही अब तक ऐसा कोई सामने आया था जिसे निराली ने अपने साथ हुए जुर्म के बारे में बताया हो। हमारे देश में एक रेप सर्वाइवर के केस का फैसला आने में सालों साल लग जाते हैं, सारे सबूतों के बाद भी, और इस केस में तो विक्टिम अपनी आपबीती बताने के लिए जिंदा भी नहीं थी। अभी तक तो कोई सुराग भी नहीं मिले थे, ऐसे में ठोस सबूतों के साथ इस केस को अदालत में प्रूव करना बहुत मुश्किल होने वाला था। सर शादी वाले दिन निराली ने जिन जिन लोगों के साथ बात की
लगभग सबके साथ बात हो चुकी है, कुछ शक होने जैसा नहीं लगा, और सबका यही कहना है कि निराली बहुत खुश थी। तो फिर निराली का रेप किसने किया और क्यों? इस प्रकाश का क्या कनेक्शन? सर कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लीन है, फिर भी सुधाकर को लगाया उसके पीछे। निराली 12 मई की रात को एक शादी में गई और उसने सुसाइड किया 20 मई को, तो पूरे चांसेस हैं कि 12 मई से लेकर 20 मई के बीच में निराली के साथ स्कूल में डिजाइनिंग क्लास में या फिर शादी में कुछ हुआ। सर निराली की फ्रेंड मधु और डिजाइनिंग क्लास की टीचर दोनों ने निराली को 17 मई को उदास देखा था। प्रोबेबली क्राइम 12 से 17 के बीच में हुआ हो। तो 12 मई से लेकर 17 मई के बीच में निराली के घर, स्कूल, डिजाइनिंग क्लास और मैरिज हॉल, जहाँ जहाँ सीसीटीवी है सबकी फुटेज खंगालो। 12 से 17 मई के बीच में कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। सर मैम साहब, वो बिटिया को हमने सिल्वर कलर की बड़ी सी गाड़ी में जाते हुए देखा था। 17 मई को? नहीं नहीं, उससे के दो दिन पहले 15 मई को, हमें अच्छे से याद है क्योंकि उस दिन हम गांव के लिए निकलने वाले थे। मैम साहब गाड़ी का नंबर या कलर कुछ याद है? मैम साहब गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन बड़ी सी गाड़ी थी सिल्वर कलर की। उस बिटिया की उस गाड़ी वाले के साथ कुछ दिन पहले कहासुनी भी हुई थी। सिल्वर कलर की बड़ी गाड़ी? हाँ सर, सुखविंदर चाचा के पास एक सिल्वर कलर की एसयूवी है। सुखविंदर आपके सगे चाचा हैं? जी सर, सगे चाचा ही हैं, लेकिन हरकतें सौतेले से भी बुरी है। उन्होंने हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टीज के पेपर्स पे पापा से धोखे से सिग्नेचर करवा लिया। अगर वो सिल्वर एसयूवी आपके चाचा की है और वही निराली से मिलने गए थे तो प्रॉपर्टी तो पहले से हासिल कर चुके हैं, अब निराली से किस बारे में बात करनी होगी? एक्चुअली निराली ने ही पापा को एक साल पहले फोर्स किया था चाचा के अगेंस्ट फॉर्जरी का केस डालने के लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि निराली के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपके चाचा का हाथ है? मुझे नहीं पता मैम, पर हाँ अगर कोई अपने सगे भाई को धोखा दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जी मैं गया था निराली को उसकी सिलाई क्लास से लेने के लिए। अरे बेटा कैसी है तू, बैठ। निराली की चाची ने ही बुलवाया था इसीलिए लेने गया था मैं। हाँ क्या वजह थी, कोई खास वजह रही होगी जो आप स्पेशली लेने गए? की गल कर रहे सर जी आप भी, भतीजी थी वो हमारी, अब उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनका ध्यान भी ना रखूं। अब बातें मत बनाइए, अब ये बताइए कि निराली जब यहाँ पर आई थी तो उस दिन क्या बात हुई थी? सर बच्ची खुशी खुशी आई थी, बस खाना खाकर चली गई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा आपके साथ तो निराली की कहासुनी भी हुई थी एक बार। सर बच्ची थी वो, नादान थी। अब बड़ों का तो फर्ज बनता है ना सर बच्चों की गलतियों को माफ कर देना। सर हम तो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, आज भी यकीन नहीं हो रहा कि निराली इस दुनिया में नहीं है। ये दोनों मियाँ बीवी जरूर कुछ छुपा रहे हैं, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स सब निकलो। सर तब से माँ की फोटो को देखे जा रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस अभी सोच रही हूँ माँ की शक्ल तुमसे मिलती है कि मुझसे? दोनों से मिलती है ना, ऑब्वियस है। चल मैं जा रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दीदी दो मिनट। बोलो। अगर आज माँ जिंदा होती ना तो तुम्हें ये 24/7 काम नहीं करने देती, डांट लगाती। अगर माँ होती ना तो तुझे ऐसे बंदर वाले वीडियोस भी नहीं बनाने देती। माँ ने मुझे कभी नहीं रोकती, मैं उनकी फेवरेट थी। अच्छा खैर फेवरेट तो तू मेरी भी है। सर कितनी बार कहूं मैं इत्थे थी। आप यहां नहीं थी, ये आपके कॉल रिकॉर्ड्स। अब सच यहां बोलेंगी या अंदर हवालात में भेजो? रेणु मैडम को लेकर जाए। नहीं नहीं सर ये सच है, मैं गई थी अपने मायके। तो सुखविंदर जी अपने बीवी को झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? आप सच यहीं बोलेंगे या आप अंदर जाना पसंद करेंगे हवालात में? नहीं नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि उसने जो केस किया मेरे अगेंस्ट में वो वापस ले ले बस। तू क्यों जिद पकड़ के बैठी है? हाँ
क्यों हम दोनों भाइयों के बीच में आ रही तू? अगर तेरी माँ जिंदा होती ना आज तो, अगर माँ जिंदा होती ना तो और भी बहुत कुछ चीजें जो हुई है ना वो नहीं होती। मतलब तू केस वापस नहीं लेगी? बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी सर, बहुत जिद्दी कोड़ी थी। तो सीधा रेप खुद किया या किसी से करवाया? कैसी बेशर्मी वाली बात कर रहे हो सर? हाँ, अरे बच्ची थी वो, मेरे सगे अपराधी कुड़ी थी। उसी सगे भाई की जमीन हड़प के बैठे आप धोखे से, सब पता है हमें। अरे ये ताने सुन सुन के ना थक गया हूँ मैं, लेकिन आपने ये जो घिनौना इल्जाम लगाया ना मेरे ऊपर सर, दम है तो वो साबित करके दिखा दो बस, आपके इसी थाने में नाक रगड़ दूंगा मैं। और 19 जुलाई तक इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। हमारे अदालत में केसेस सालों तक चलते हैं और निराली के केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतनी धीमी गति पे चल रही थी। निराली का केस कब सॉल्व होगा, कब जाके अदालत में प्रूव होगा? एक लंबा सफर इस केस को तय करना बाकी था और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे इस केस का सॉल्व होना मुश्किल लग रहा था। धीरे धीरे पुलिस का हौसला भी टूटने लगा था, लेकिन एक नया सबूत पुलिस के हाथ लगा जिससे इस केस को नया एंगल मिला। 12 मई की शादी का एक नया वीडियो सामने आया सर, ये देखिए सर, ये वीडियो मंजीत के एक रिश्तेदार ने मोबाइल से शूट किया था। और सर ये देखिए, इस वीडियो में निराली के साथ कोई है। हाँ जी, निराली मिली थी उस रात हमसे। हेलो पंकल, पापा कहाँ हैं? अब वो ज्यादा पीवी तो नहीं रहे। तो आपसे मिलने के बाद निराली कहाँ गई? सर हमें नहीं मालूम कहाँ गई थी, गई होगी अपने दोस्तों के साथ। हमने शादी का वीडियो देखा, जिस वक्त जिस डायरेक्शन में निराली गई आप भी उसके पीछे गए थे। नहीं सर, निराली के पीछे नहीं गए थे। क्या मंजीत का दोस्त आलोक ही निराली का गुनहगार था? इस केस में सस्पेक्ट्स कई थे लेकिन अब तक किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे, किसी की चुप्पी टूटने वाली थी और एक दिल दहलाने वाला सच सामने आने वाला था। बोलो मधु, क्या बताया तुम्हें निराली ने? निराली ने हमें बताया था कि उसका गैंगरेप हुआ था। किसने किया तेरे साथ ये निराली? मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि वो मेरे करीबी है। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम बताना चाहते थे लेकिन कसम दी थी निराली ने, हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। आपको किसी पर शक है? शक तो नहीं, पर कुछ दिनों पहले ही गौरव ने निराली को प्रपोज किया था। आई लव यू, आई लव यू। ओए गौरव, अरे हमने तुम्हें अलीबाबा 40 चोर बोला, ये आई लव यू कहाँ से आ गया? हाँ, फिर तूने मेरे को आई लव यू का इशारा क्यों किया गौरव? वो निराली, हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की तो हमने इशारों से बोल दिया आई लव यू निराली। हाँ सर, प्रपोज किया था सर हमने निराली को। और पहले क्या बोला था? मैं और निराली सिर्फ अच्छे दोस्त, पहले जोड़ के बोला। पर वो बात हम भूल चुके थे सर, निराली ने हमें रिजेक्ट कर दिया था सर। उसी रिजेक्शन का बदला लिया ना निराली से? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में 3 लोग हैं, गौरव, सुखविंदर, आलोक। सर ऐसे देखा जाए तो तीनों निराली के करीबी है, तीनों पे नजर रख रहे हैं हम। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। सर निराली आज के जनरेशन की लड़की थी और आज की जनरेशन वर्चुअल वर्ल्ड यानी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होती है। करेक्ट, निराली के सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल सब स्कैन करो, साइबर टीम की मदद लो और उन्हें कहो कि 12 मई ऑनवर्ड निराली के जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं सबको स्कैन करो। सर सर निराली के कॉल डिटेल्स में तो कुछ नहीं मिला, पर सर ईमेल में 20 मई के दिन जिस दिन निराली ने अपनी जान दी थी उस दिन एक वीडियो अपलोड करने का नोटिफिकेशन मिला है। ये वीडियो निराली ने अपने चैनल पर अपलोड किया था? सर ये वीडियो अपलोड तो जरूर हुआ है पर पब्लिक नहीं हुआ है, शायद प्राइवेट रखा हो निराली ने। हो ना हो, ये वीडियो हमारा ब्रेक हुआ। वीडियो कहाँ? सर साइबर टीम लगी हुई उस काम में। एक्सक्यूज मी मैम, इस वीडियो का एक्सेस मिल गया। प्ले करो। जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होगी।
गैंग रेप हुआ है। मैं उन लोगों के नाम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो मेरे करीबी है। दीदी मुझे माफ करना, मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकती। पापा आपसे मुझे शिकायत है, अगर आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शायद। पंजीत जी, निराली ने ऐसा क्यों कहा? क्या शिकायत थी उसे? सब मेरी गलती है सर। कह रहा मैं अपनी बेटी नू सहारा नहीं दे पाया। मैं कह रहा, आप जानते थे आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? निराली लाल कुछ गलत हुआ है, पर जान बुझ के मैं अनजान बना रहा। सच का सामना करने की, अपनी बेटी नाल बात करने की, उसको सहारा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। मुझे बदनामी का ख्याल रहा, अपनी बेटी का ख्याल नहीं आ। मैंने यह भी डर था कि बात बाहर जाएगी तो मेरी बड़ी बेटी की शादी। आई हेट यू पापा, आई हेट यू। पंजी जी, आपकी बेटी निराली के साथ क्या हुआ था? मैंने सच में कुछ नहीं पता जी, कौन था? आलोक, आपका दोस्त आलोक, उसने आपको बिजनेस के लिए पैसे दिए पर कभी उन पैसों का तकाजा नहीं किया, तो क्या वो आलोक हो सकता है? कि मामला आत्महत्या का है, लेकिन प्राथमिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद। ये आजकल की जनरेशन मुश्किलों का डट कर सामना करने के बजाय उनसे भागती क्यों है? कौन उन्हें समझा रहे? सुसाइड किसी मसले का हल नहीं है। हाँ सरिता। सर, मंजीत का दोस्त आलोक, बहुत ही पहुंची हुई चीज है। कॉल डिटेल्स खंगाली तब पता चला, बहुत सारे ड्रग डीलर्स और हिस्ट्री शीटर्स के साथ उसके कनेक्शन है। सर, वैसे तो उसकी दुकान बहुत छोटी सी है, पर मार्केट में बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है उसने। कुछ तो गैर कानूनी धंधा कर रहा है वो सर। तब उसका तारुफ जरा कानून से करवाते। चलो। मानता हूँ कि मैं ड्रग्स का बिजनेस करता हूँ। उस रात शादी के दिन मैं ड्रग की डील करने गया था। गोडाउन से माल निकालने में देरी हो गई, लेकिन हमने निराली का रेप नहीं किया है। जब तक ये सच ना बोले, थोड़ा इस नशे का सौदागर को। सर, आलोक के गोडाउन में पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए और आलोक के थ्रू ड्रग्स माफिया से जुड़े कई स्मगलर्स भी अरेस्ट हुए, लेकिन निराली का केस सुलझना अभी बाकी था। उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले थे। क्या आखिर निराली का गुनहगार कौन था? सर, Come in. सर, आलोक को बहुत तोड़ा, उसने ड्रग सिंडिकेट के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी भी निराली के रेप से मना कर रहा है। तो फिर निराली के गुने अंकित के मोबाइल से पुलिस को एक ऑडियो क्लिप मिली है जो कि इंडिकेट करती है कि किसी ने किसी का रेप किया है। आइए एक बार फिर से हम आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। अरे लड़की के नाम ही उसकी यहाँ होती है। हाँ भाई, अच्छा। मैं बोल रहा हूँ। ये इतना फैशन, छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनती है? हमारे लिए और क्या। अबे लड़की कुछ चाहती है कि हम लोग कुछ करें उनके साथ। हमने भी किया, सबने मिलकर किया। हाँ, वो कितना हंसती थी, पाउट दे देकर वीडियोस अपलोड करती थी। यू कैसे करते रहते यार। जितनी खूबसूरत उतनी होशियार, बस हमने भी पकड़ के पढ़ा दिया प्यार का पार्ट। अबे साले, प्यार का पार्ट नहीं, हवस का पार्ट। अंकित, सुसाइड केस की तहकीकात करने वाली टीम से मिलो, उस ऑडियो का सोर्स पता करो। सर, अंकित की कॉन्टैक्ट लिस्ट में टोटल 235 लोग हैं, जिसमें से 60 लड़के उसके स्कूल के ही हैं। जितने भी लड़के हैं उनकी सबकी बैकग्राउंड चेक करो। सर, और वो निराली और अंकित, इन दोनों में कोई कनेक्शन मिला? अब तक तो नहीं सर। ठीक है, इन सबकी बैकग्राउंड चेक करो। सर,
हमें? सर अंकित के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी स्टूडेंट्स का नंबर मिला ज्यादातर हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। उन्हें ऐसी पूछताछ के लिए उठाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड्स जिसके साथ उसकी ज्यादा बात होती थी उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो कुछ सस्पिशियस मिला। क्या? सर ये आशु पांडे और ये सिद्धार्थ चौधरी, इन दोनों के साथ ही अंकित की ज्यादा बात होती थी। और सर सस्पिशियस बात यह है कि 12 मई की रात जिस शादी में निराली गई थी उस शादी के डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट सिद्धार्थ के फादर को ही मिला था। उठाओ दोनों को। सर सर आप लोग क्यों हमें यहाँ? सर आशु सिद्धार्थ कॉल रिकॉर्ड समझते ना तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, कॉल रिकॉर्ड्स कॉल लोकेशन। 12 मई की शाम को तुम दोनों इंदिरा नगर के सेक्टर नंबर 8 में थे। अब ये बताओ तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे थे? सर वहाँ डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे फादर को मिला था, फ्लावर अरेंजमेंट देखने गए थे सर। सिर्फ तू? सर मैं तो इसकी मदद करने गया था सर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बोल दो, नहीं बोलोगे तो आर्टिफिशियल नहीं असली फ्लावर लगाएंगे। विशाल करती होगी सर। सर उस दिन हम नशे में थे सर। सर वो तभी लड़की लेकर आया सर। हमारी ऑनलाइन चैट होती थी उससे। तो तुम लोग निराली को पर्सनली नहीं जानते थे? सर वो हमारे बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। देव को बना रहे हो? निराली का कोई भाई नहीं है। उसका भाई है सर, उसका चचेरा भाई। हो गया था सर, मेरा मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या यार इस बेटे ने? क्या हुआ निराली? तो यार देख रहा है यार वेटर ने ना सब खराब कर दिया, कपड़े अपने मेरे केचप गिरा दिया। भाई कोई गल नहीं, हम वॉशरूम है वहां साफ कर लेंगे। चल तेरी बहन थी, तुझ पे भरोसा करती थी, और तूने क्या किया? तूने उसका भरोसा ही नहीं तोड़ा बल्कि उसे ऐसी जिल्लत दी कि वो मरने पर मजबूर हो गई। उसे मरना मंजूर था लेकिन मरते मरते भी उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि तुमने भाई बहन के रिश्ते पर जो कलंक लगाया था शायद वो उस कलंक को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी, और मरते मरते भी जैसे कमीनी को बचाना चाहती थी। सब चाहते हैं कि उनके बच्चे हंसते खेलते बड़े हों, लेकिन निराली उसके लिए तो हंसना खेलना जैसे कि गुनाह हो गया। क्या गलती थी उसकी कि वो लोगों से घुल मिल के लड़कों से हंस के बात करती थी? ये गलती थी? निराली का रेप एक शादी के सेलिब्रेशन में उसके भाई इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कहाँ से आती है ये सोच? कौन बनाता है ये अच्छी लड़की की डेफिनेशन? लड़की हंस के किसी से बात कर दे, किसी लड़के कंधे पे हाथ रख दे, मतलब क्या फ्री पास है कि उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है? इतनी गंदी सोच कहाँ से आती है इन लड़कों के दिमाग में? औरतों का तिरस्कार करना, लड़कियों को नीची नजर से देखना, ये सब लड़के आमतौर पे अपने घर के माहौल में सीखते हैं और ये सब हम जानते हैं। और यही घिनौनी सोच आगे जाके रेप जैसे अपराधों की जड़ बनती है। अपने छोटे सोच के चश्मों से लड़कियों के कैरेक्टर को जज करने की आदत हमें छोड़नी होगी। जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे हमारे बच्चों की सोच नहीं बदलेगी और ये समाज नहीं बदलेगा। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान पूरी तरह से मायूस हो जाता है, लेकिन खुदकुशी कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। निराली ने खुदकुशी करके सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को पहुंचाया जो उसके बहुत करीब थे, और इस बात का दुख उन्हें जिंदगी भर सताएगा। हमें अपने आप को बदलना होगा, लड़कियों को एक सो कॉल्ड मोरालिटी के पैमाने में जज करना बंद करना होगा। हमें लड़कियों को उनके हिसाब से जीने देना होगा जैसा कि एक सभ्य समाज में होना चाहिए। अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबसे विदा लेती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पे वार अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।